إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर मुसलमान को उसके मुसलमान का भाई बनाया है। मोमिन मोमिन का भाई है। मुसलमानों का ये मुआशरा भाईचारगी की बुनियाद पर ही कायम और दायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं कि जो कोई दुनिया में किसी जन्नती को चलता फिरता देखना चाहता है, ये जो मजलिस में आ रहा है इसको देख लो, ये जन्नती है। ये अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान सहाबी मजलिस में दाखिल हुए। अगला दिन फिर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जिसने किसी जन्नती को देखना है इस आने वाले को देख लो, ये आने वाला जन्नती आ रहा है। तीसरे दिन फिर यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, और वो एक ही शख्स जो तीन दिन तक आपकी मजलिस में आया और तीनों दिन तक आपने फरमाया किसी ने जन्नती को दुनिया में चलते फिरते देखना है इसको देखो। एक सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अजीम मकाम अता फरमा रहे हैं, मैं देखूँ तो सही ये बंदा करता क्या है, इसके अमाल क्या है। कहने लगे, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, कुछ दिन आपके घर में गुजारना चाहता हूं। सहाबी अपने इस मेहमान को लेकर घर चले गए। ये तीन दिन तक उसके घर में मेहमान बनकर रहे। तीन दिन तक इन्होंने कोई ऐसा खास अमल, कोई ऐसा खास काम नहीं देखा जो आम सहाबा की रूटीन से हटकर हो। जो नेकियां वो करते थे ये भी करते थे, इन्हें कोई खास बात नजर नहीं आई। हदीस में आता है, जब चलने लगे तो उनसे कहा कि मैंने तेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना था कि जिसने किसी जन्नती को देखना है इसको देखो, ये जन्नती है, तेरी कोई खास नेकी मुझे नहीं नजर आई, वो तू कौन सा काम करता है जो अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने अपने रसूल की जुबान से तीन दिन तक तेरे जन्नती होने की गारंटी दिलवाई। सुनिए जरा, वो काम सुनिए। एक लाख रियाल नहीं लगेंगे उस पर, करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे, 25-30 घंटे की मेहनत नहीं होगी, वो काम बड़ा शॉर्टकट है। वो सहाबी कहते हैं, मेरे भाई मुझे ये तो नहीं पता, बाकी अमाल जो मैं करता हूं बाकी सहाबा भी करते हैं, लेकिन मेरा एक खास अमल है जिसके बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा वो अमल जरूर अल्लाह के दरबार में कबूलियत का सबब बना होगा। और वो अमल क्या है? कहते हैं, जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं, सोने के लिए जब रात होती है मैं बिस्तर पर लेटता हूं,
मैं अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल से ये बात कहता हूँ, ए अल्लाह मुझ पर जिस जिस ने जो जो जुल्म और ज्यादती की है, मैं हर मुसलमान को तेरी रजा के लिए माफ कर देता हूं। ऐ भाई जब रात होती है मैं अपने बिस्तर पे आता हूं, मेरे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ नफरत, कीना, बुग्ज, अदावत, हसद की आग नहीं जल रही होती, बल्कि मैं बिस्तर पे आते हुए अपने अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह मुझ पर जिस जिस मुसलमान भाई ने कोई ज्यादती भी की है, मैं बजाय उसके लिए अपने दिल में नफरतें, बुग्ज और अदावत और कीना रखने के, मैं उसको तेरी रजा के लिए माफ कर रहा हूं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी के बारे में 3 दिन तक गारंटी देते हैं, जिसने जन्नती को देखना है इसको देख ले। ये है भाईचारगी, ये है मुसलमान का मुसलमान के साथ ताल्लुक, ये है मुसलमान का मुसलमान के साथ तर्ज अमल। बाहमी ताल्लुकात मुसलमान के ऐसे होते हैं कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए अगर अपने दिल को साफ कर लेता है, सीने को साफ कर लेता है, ये अमल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाता है। मैं आपको पुरानी मिसाल देकर नहीं समझाता, ताजा आज के दौर की मिसाल देता हूं। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक साल सवाल करने वाला साइल आता है, अपनी कोई हाजत बयान करता है, शेख उसके लिए 2000 रियाल देने का अपने सेक्रेटरी से कहते हैं लिख दो। वो सेक्रेटरी लिखता है इसको 2000 रियाल दे दो। ये ज्यादा मोहताज था, ये ज्यादा जरूरतमंद था, इसने पेंशन निकाली, 2000 में 1 सिफर का और इजाफा कर लिया, कितने हो गए 20,000, 1 सिफर से छलांग मारी और 20,000 पे पहुंच गया। अब वो अकाउंटेंट कहता है, शेख आपने कितने कहा है? कहा मैंने 2000 कहा। कहा शेख इसने तो 2000 से 20,000 कर दिए हैं, ये इतना बड़ा फराडिया है। अब उसको गुस्सा आ रहा है, और समाहतु शेख इबन बाज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बात नहीं इसको 20,000 ही दे दो, हो सकता है ये बेचारा मजबूर हो, दे दो इसको 20,000। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये 2000 वाला कोई 10-15 हजार रियाल इकट्ठे करके शेख के पास आता है कई सालों के बाद। इस वक्त वो रियाज की एक जामे मस्जिद में इमाम और खतीब बन गया। इंसान की छोटी सी नेकी कहां कहां तक पहुंचा देती है। आकर कहने लगा, शेख आपको शायद पता नहीं लगा, आपने मेरे लिए 2000 लिखवाए थे, मैंने उसमें डंडी मार के 20,000 कर लिया था, तो मुझे अपने गुनाह और गलती का एहसास है, ये मैं लेकर आया हूं, ये ले लीजिए, बाकी मुझे माफ कर दीजिए। शेख फरमाने लगे, तू क्या समझता है हमें पता नहीं लगा था? हमें उसी वक्त पता लग गया था कि तूने ये किया है, लेकिन हम समझे थे हो सकता है हमारे भाई को जरूरत ही इतनी हो, हमने तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था, ये भी तेरे हैं वो 2 भी तेरे हैं। शेख के पास एक साइल आता है शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह के पास, और उनसे आकर अपने घर वालों की हाजत बयान करता है। शेख उसके लिए एक ज़बीहा, एक बकरा देने का हुक्म देते हैं। ये बकरा लेके चल रहा है गाड़ी की 18 में पीछे रखा हुआ, कहीं बकाले पर रुका, बकाले से कुछ लेने के लिए, बकाले से वापस आता है, पीछे अली बाबा हाथ साफ कर जाता है। अब ये वापस गाड़ी मोड़ के शेख के पास आया और रोने लगा शेख के सामने, और उस चोर को बद्दुआ कोसने, गालियां देने लगा कि शेख उसने वो मैंने मुश्किल से आपसे मांग कर ले गया था और वो मुझे चोर पड़ गया और मेरा उठा के ले गया। देखिए अहले ईमान के दिल अपने भाइयों के लिए किस तरह मोहब्बत से भरे होते हैं। शेख कहने लगे, मैं तुझे 2 दूंगा, तू 1 ले गया था ना, मैं तुझे 2 दूंगा, उस चोर को गाली देने की बजाय हिदायत की दुआ करो। उसको गालियां दे रहे हो, तुम गालियां ना दो बल्कि ये कहो, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, इसके बदले में मैं तुझे 2 बकरे दूंगा। अपने मुसलमान भाई के लिए, अपनी आल औलाद के लिए बद्दुआएं कोसने, गालियों की बजाय अगर जुबान पे दुआएं आ जाएं, देखिए हमारे यहां और यहां के माशरे में कितना फर्क है। हमारे यहां मां को गुस्सा आए बेटे पर तो क्या कहती है, मर जाना, मर जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरी टांग टूटे, मुलाजमा को कोसने, औलाद को कोसने,
तुझ पे लानत हो। सुना है या नहीं सुना तुमने? और यहां बच्चा गलती करता भी है तो मां क्या कहती है? हदाक अल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत दे, असलहक अल्लाह, अल्लाह तेरी इसलाह करे। उसको गुस्सा भी अपना उतार लिया और उसके लिए दुआएं खैर की। ये मोमिन का मोमिन के लिए हक है, अगर उसकी गलती देखता है तो उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करे कि अल्लाह मेरे इस भाई की इस गलती को दूर कर दे। लेकिन असास ना भूलना, मोहब्बत की असास क्या है? हमने पहले इब्तदा में आपको रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस सुनाई, मोमिन मोमिन का भाई है। कौन किसका भाई है? पाकिस्तानी पाकिस्तानी का भाई है, इंडियन इंडियन का भाई है, बंगाली बंगाली का भाई है, शेख शेख का भाई है, सैयद सैयद का भाई है, पठान पठान का भाई है, पंजाबी पंजाबी का भाई है। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, आपकी और मेरी मोहब्बत की बुनियाद ईमान है, इस्लाम है, अल्लाह की रज़ा है, तो फिर कामयाब हैं हम लोग। और अगर हमने इस बुनियाद को भुलाकर मुल्क कौम बिरादरी वतन कबीला इसको मोहब्बत की बुनियाद बनाई है, तो फिर समझ लीजिए हमारी बर्बादी में कोई कसर नहीं रहेगी। ये आम बातें नहीं, ये रूटीन की बात है। मिसाल देके समझाता हूं। हमारे घर में कोई रिश्ता मांगने के लिए बच्ची का आ जाए, पता लगे यहां से कि आपने और मैंने अपने दिल में जो मोहब्बत की बुनियादें बनाई भी हैं वो किस चीज पर हैं, अल्लाह की रजा पर या किसी और चीज पर। हमारे घर में मैं सैयद हूं, जैदी खानदान से हूं, हमारे घर में गैर सैयद रिश्ता मांगने आ जाए, वो सलफी भी है, मुवाहिद भी है, अखलाक भी अच्छा है, दीन भी अच्छा है, मैं उसको रिश्ता दूंगा या नहीं दूंगा? पता लग जाएगा मेरी मोहब्बत किस बुनियाद पर। नहीं, गल तो ठीक है, बंदा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये सैयद नहीं है। बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन ये पंजाबी नहीं है। बंदा ठीक है, ये पठान नहीं है, ये बलोची नहीं है, ये सिंधी नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बिरादरी, ये कौम, ये कबीला, हमने इसकी पूजा शुरू की और अपनी मोहब्बतों की बुनियाद अल्लाह की रज़ा की बजाय कौम कबीला बिरादरी और हस्ब नसब को बना लिया। मिसाल इसकी एक और समझ लीजिए, रिश्ता मांगने वाला आया, वो मुशरिक है, वो बिदअती है, उसका रिजक हराम का है, वो बैंक का मुलाजिम है, वो सूद खाता लेता देता है, लेकिन है मेरे भाई का बेटा, है मेरी बहन का बेटा, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है। अब भले वो मुशरिक है, भले वो बिदअती है, भले वो कुछ भी है, क्या ख्याल है हम रिश्ता देने में हिचकचाहट का कोई इजहार करते हैं? वो जी अपना ही बच्चा है ना, घर का बच्चा दे दो। अरे भाई, ये मुआहिद नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुशरिक है, ये बेनमाज है, इसका रिजक हराम का है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो है तो अपना ही बच्चा, बिरादरी तो अपनी है। ये मुसलमान की सोच नहीं हुआ करती। और जब मुसलमान की सोच अल्लाह के लिए मोहब्बत करना बन जाए तो रिजल्ट क्या मिलता है, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में है, कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, मेरी अजमत और जलालत के लिए आप इसमें मोहब्बत करने वाले लोग कहां हैं? किस लिए मोहब्बत करने वाले? पाकिस्तानी पाकिस्तानी, कौम बिरादरी, कबीला, हसब नसब, माल जर, मेरी इज्जत, मेरी अजमत के लिए आप इसमें मोहब्बत करने वाले किधर हैं? आज हशर के मैदान में कोई साया नहीं है सिवाय मेरे साय के। जिन्होंने दुनिया में मेरे लिए मोहब्बत की, आज अल्लाह उनको अपने साय के नीचे जगह पा फरमाएगा। अल्लाह हम सबको उन खुश नसीबों में शामिल फरमा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी में है, क़यामत के दिन मालिक फरमाएगा, वो कहां है जो आप इसमें दोस्ती करते थे, बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत हुआ करती थी। क्यों किसी से मोहब्बत करते हैं? इसके पास पैसा ज्यादा है, इसकी चौधराहट है, ये इसकी कौम ऊंची है, ये भी मुवाहिद है, मैं भी मुवाहिद हूं, दूसरी कोई शर्त नहीं। अल्लाह फरमाएगा, कहां हैं जो दुनिया में मेरी जात के लिए मोहब्बत किया करते थे, आज उनके लिए नूर के मिंबर होंगे जिन पे अल्लाह की मोहब्बत करने वाले बैठेंगे। हदीस में आता है, अंबिया इनको देखेंगे, शोहदा इनको देखेंगे और इनके मकाम पे रश्क करेंगे। क्या अमल किया इन्होंने? माल खर्च किया, पैसा लगाया, वक्त लगाया,
जिससे मोहब्बत की, जिससे दोस्ती की, जिससे दिल के ताल्लुकात बढ़ाए, बढ़ाने से पहले ये देख लिया ये अल्लाह के बारे में इसके क्या अकायद हैं, ये मुवाहिद है या मुशरिक है, ये मुत्तबे सुन्नत है या बिदअती है, इसका अल्लाह से लिंक कैसा है। ये जितना अल्लाह के करीब होगा उतना मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा, जितना ये दीन से दूर होगा मैं इतना इसको अपनी जात से दूर कर दूंगा। बस ये सोच है, ये एक नुक्ता है जो अकल में आ जाए। अगर ये नुक्ता अकल में आ जाए और इस पे जिंदगी आप